चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। या तो आपका घर का ही कोई बंदा इसमें मुलव्वस है, या फिर आपके पड़ोस में ही किसी ने आपके घर पर नजर रखी हुई है। तुम लोग यहाँ पे दावतें उड़ा रहे हो और वहाँ अमार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। अरे ये तो होना था मैडम, वहाँ पे बच्ची का इतना फर्ज तो बनता है उसका। अमार, तुम इससे पूछो या मैं खुद पूछूं इससे? ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हें मैंने समझाया है ना, मेरी भी बेटी गुम हुई है यार। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने होशो आवाज खो बैठूं और किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगाता फिरूं। इल्जाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूं। इसने खुद कहा है मेरे सामने। तुम बताओ मेरी बेटी कहां है, कहां छुपा के रखा है उसे? मलिहा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, मैं तुम्हारी बेटी क्यों गायब करूंगी? अमार, तुम समझाते क्यों नहीं हो इसे? इसके समझाने से नहीं समझने वाली मैं। तुम अगर सीधी शराफत से नहीं बताना कि मेरी बेटी कहां है तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगी। मैं अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगी, किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं। और तुम मेरे और इसके पूछने से तो तुम नहीं बताओगी, लेकिन पुलिस उसके सामने तो अपना मुंह खोलने पे मजबूर हो जाओगी ना। मलिया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों घर की इज्जत को उछालने पे तुले हुए? सिर्फ अपनी बेटी चाहिए बस, और उसे मैं हासिल करके रहूंगी। अमार, मुझे ना इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। तुम इसे समझाओ प्लीज। सुखी, बच्ची तो मुझे किसी भले खानदान की लगे, तुझसे ना पलेगी ये। और पालने वाला ऊपर है, हाँ, ना पल पाएगी, ज़्यादा मेरे मुंह ना लगी। अरे सुखी, मुंह क्यों बनावे? मैं तो तेरे भले की नहीं बोलूं, हसम तेरा कमाता नहीं, अब तू बच्ची पालेगी कि कचरा बीनेगी? और मैं सब जानती हूँ, जरूर शिद्दे ने तुझे बोला होगा, बड़ा मीसड़ा है मीसड़ा, लगा दिया ना मेरे पीछे। मगर मैं दी रानी को छोड़ने वाली नहीं, समझी? और वे देख, वेखते जरा, ये वेख, ये वेख, ये वेख, ये वेख, कितना महंगी महंगी चीजें है। ये साबन कितना महंगा है, और तू, तेरी औकात है इस्तेमाल करने की, तुम पड़ी आई। और मैं अपनी दी को ना बड़े लोगों की तरह पालूंगी, बोलने की जरूरत है, जा यहाँ से। अरे तू तो पागल हो गई बच्ची को देख कर। हाँ पागल हो गई है मैं, पागल कह रही है मुझे, पागल कहीं की, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। हाय हाय रब्बा, वो दीरा नी देखती जरा कैसे डांट पिलाई मैंने, कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं। वो दी को भी भला कोई छड़ दे, दी तो आपे ही छड़ जाती है वड़ी होके, और तू ते अभी निक्की जई है, निक्की सुखी की निक्की 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 दी। वाह मेरे माला, तेरे कुर्बान। कौन आ गया? खाला है घर पर। क्या खड़े खड़े सब कुछ पूछ के चली जाएंगी? बैठे तो सही। खाला को बुला दो, मुझे बात करनी है उनसे। से बात कर ले, मैं बता दूंगा अम्मा को। देखो मुझसे तुम दूर रहकर बात किया करो। ओहो, ऐसी भी क्या नफरत मुझसे? रहने दो। देखो तुम अगर इस तरह नाराज होके जाओगी तो अम्मा गुस्सा होगी मुझसे। ये क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा।
बस यही नहीं होता मुझसे। ये क्या कर रहा है तू? मैडम जी नाराज होके जा रही थी अम्मा। अरे इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही है। मलिहा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने पर तुली हुई है, पहले से बता रही हूँ, इसलिए ध्यान रखना आप दोनों। इससे आप बेफिक्र हो जाए मैडम जी, उसमें आपका नाम नहीं आएगा। मगर हाँ उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे होंगे। हाँ मालूम है, पैसे के बगैर तुमने कुछ नहीं करना। ख्याल रखना मेरा नाम ना आए। माँ दिहाड़ी लग गई। आ जाओ चिकन खिलाओ आज तो। कहाँ मर गई? ले ले। चल जल्दी से पैसे निकाल। और मैं इसके पैसे तुझे सुखी से लेके दे दूंगा। जल्दी किस बात की तुझे? नहीं नहीं मुझे अभी दे। एक बार इस गंदी पोटली से मेरी जान तो छूटने दे, दे दूंगा तुझे। आखिर बेर क्या है तुझे इस बच्ची से? क्यों जान लेना चाहता है तू इसकी? अब तो तुझे नहीं पता, वो जो 24 घंटे अपने सीने से इस गंदी पोटली को चिमटाए घूमेगी ना, तो मुझे साथ में तो भूखा मर जाएगा। और जा जा तू जा यहां से जा। दुआ के साथ साथ कोशिश भी करनी पड़ती है, जो तुम नहीं कर रहे। तुम्हें लगता है कि दिन रात थाने के चक्कर काटने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर रहा? जब मुजरिम घर में हो ना तो थाने के चक्कर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने दिमाग से ये बात निकाल क्यों नहीं देती हो? क्यों तुम्हारे दिल में उनके लिए इतना जहर भरा हुआ? हाँ जहर भरा है उसमें, तभी तो उसने डंग मार दिया मुझे, गायब कर दिया मेरी बेटी को। तुम्हें भरोसा है ना उस पर? करो यकीन, लेकिन मैं पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट करवाऊंगी। अगर तुम वहां गई तो बहुत बुरा होगा। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है कि एक माँ की गोद उसकी औलाद होते सुनी रहे। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम वहां जाओगी तो घर वापस मत आना। ठीक है। Thank you.
लाओ। ओ मैडम जी, आप यहाँ सो रही हैं और सोतन आपकी नींदें उड़ाने चली है। मुझे तो ऐसा लगता है ये कहीं थाने में रिपोर्ट लिखवाने ना चली जाए। क्या? एक काम करो, तुम पीछा करो उसका। इसके पैसे अलग से होंगे। पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ और जाके मरो उसके पीछे। तुम तो अपने पीछे खुद ही हाथ धो के पड़ी हुई हो मलिहा। बेटी के चक्कर में शौहर को भी गवाओगी। और की आ रहा है? और कुछ नहीं, अभी बैठ रहा था। हट, अब बैठ जा अपनी मंजी पे। मार। अच्छी बनी है ना? ओ सुखी, ये तो उठ गई। ना, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? सोई है तो उठेगी भी ना। और मेरा मतलब है रात में सोई पड़ी थी और दूध पाने के लिए उठती नहीं। ना, तू चाय पी। अच्छा अच्छा। पी। रात ना दूध खत्म हो गया था, तो फिर मैंने चाय के लिए ना दीरानी की बोतल से दूध निकाल के तेरे वास्ते चाय बनाई है। की होया है? की होया है? पी ना। पी, पी। उसकी गल सुन मेरी। बेखैर था, मेरी दीरानी को मारने चला था, और टंडा किथे? मेरी गल सुन खुशदगी। बोल, बोल, मेरे दी को मारेगा? हाँ, मैंने रात को ही देख लिया था, जब तू दूध में दवाई मिला रहा था ना। खुदा खारत करे, शर्म ना आई तुझे? निकल, खुदा खारत करे, और कभी अपनी शक्ल ना दिखाई मेरे को। तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना तेरे वास्ते। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी दी, ये दीरानी को कुछ नहीं हो सकता। ये खातून क्यों आई? सर आपसे मिलना चाह रही है, कोई रिपोर्ट दर्ज करानी है। ठीक है, अंदर भेज। ओके सर। तशरीफ रखिए। जी मैडम, बताइए क्या मसला है आपका? मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। किस सिलसिले में? मेरी बेटी गायब हो गई है। आपको किसी पर शक है? शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी को गायब किया है। आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखें। किन लोगों का हाथ है? आप नाम लिखवाइए मुझे। जी लिखें। बताइए। नीलम, उमेरा और उनका बेटा नासिर। आपने बच्ची इन्हें ले जाते हुए देखा है? नहीं, लेकिन नीलम ने मेरे सामने कबूल किया कि उसी ने मेरी बेटी को गायब किया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी बेटी चाहिए बस। आप गाने इन सबको हवालात में और पूछें इनसे। अब ऐसा करो कि इनकी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट दर्ज करो।
और गाड़ी तैयार करो, हमें रेड करनी है। ठीक है सर। हेलो, क्या हुआ, क्यों फोन किया दोबारा मुझे? ओ मैडम जी, आपकी सोते ने तो हम तीनों के नाम ले डाले, अब आप अपनी खैर मनाए। खैर तो उसकी नहीं है, और तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। आप तो कुछ ज्यादा ही सुकून में है। तुम्हें भी बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो कर रही है उसे करने दो। बार बार किसी रिपोर्टर की तरह मुझे ब्रेकिंग न्यूज मत दो। जरूरत क्या थी उसके सामने को बोलने की, हद से ज्यादा बहादुरी ना अपने भी गले में आ जाती है, खुद तो फंसेगी हमें भी उल्टा लटकाएगी। अरे नीलो आ गई। पीछे रह के बात नहीं हो सकती है तुमसे? नहीं कर सकता बात, ऐसे ही बात करनी, क्या कर लोगी तुम? अरे हट, देख नीलो तू अम्मा से बात कर, वो खुद ही निपट लेगा मल्लों से। एक झड़की उसको पड़ी ना तो देख लेना तीर की तरह सीधी हो जाएगी, वो रिपोर्ट भी वापस लेगी और सबर करके खामोशी में बैठ भी जाएगी। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करोगे तुम उससे? अच्छा खासा उल्लू शोहर मिला है तुम्हें। तमीज से बात करो, शोहर है वो मेरा। तमीज से पहले तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले अपनी आवाज नीचे करो। ये आवाज और ऊंचा लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? वरना क्या कर लोगे? अरे क्या कर लोगे? अरे तू जा, तमीज ही नहीं है तुझे तो बात करने की। मैं कह रही हूँ जा यहाँ से। जाता क्यों नहीं है? जा। खाला इसको समझा दो। हाँ हाँ इसको तो मैं समझा लूंगी, पर तू बता तू क्या सोच के बैठी है? सोच के तो मैं बहुत आगे का बैठी हूँ, आप फिक्र मत करें। सलार इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं अमार, ना मुझसे चुप हो रहा है ना रिफत भी से। उसे भी मलिहा की गोद की आदत पड़ गई है, पता नहीं कहाँ रह गई मलिहा। चलो दरवाजे पे देखिए कौन आया। मलिहा है कहाँ? पता नहीं कब से निकली हुई है, मुझे तो कुछ बता कर नहीं गई। मिस्टर अम्मार, आपकी मिसेस को गिरफ्तार करने आए हैं। क्या मतलब गिरफ्तार करने आए? क्या किया क्या इन्होंने? मलिहा अम्मार ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, इसलिए तफ्तीश के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। नहीं अम्मार, मुझे थाने नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया, बताओ ना इन्हें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मलिहा ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर अम्मार, ये कानूनी मामला है, इन्हें हमें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा। नहीं बीबी। इंस्पेक्टर साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ, रिफत भी आज सलार का ख्याल रखेगा। देखो अम्मार बेटा, ये सिला मिला मुझे नेकी का, साय की तरह रही तुम्हारी बीवी के साथ, और देखो मलिया ने ये सिला दिया हमें। अम्मार भाई, ये भाभी ने अच्छा नहीं किया, मेरा आपके घर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बिला वजह इस मसले में घसीट दिया है।
आप लोग फिक्र मत करें, मैं कुछ करता हूं। मैडम जी आप बैठे, आप क्यों खड़े हैं? बैठे बैठे ना। नासिर इंसान बन जा। मुश्किल है खाला, अब नहीं बनता ये इंसान। अरे तू क्यों इतने इत्मीनान से बैठी है? घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। तुमसे तो पूछा नहीं क्या उससे? पुलिस का काम है, वो ही करवाएगी। पुलिस अपना काम करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद पूरे मोहल्ले में हमारा मजीद मजाक उड़ेगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। सुकून आ गया तुम्हें रिपोर्ट दर्ज करवा कर? हो गई तसल्ली उन्हें तफ्तीश के लिए थाने भिजवाकर? नहीं, उसे वहां थाने भेजने की ना तो मेरी कोई ख्वाहिश थी ना हसरत। मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। तुमसे तो पूछा नहीं क्या उससे? पुलिस का काम है, वो ही करवाएगी। पुलिस अपना काम करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद पूरे मोहल्ले में हमारा मजीद मजाक उड़ेगा। एक मर्तबा भी नहीं सोचा अब्बू की, मेरी या इस घर की इज्जत के बारे में? मामू होते ना तो वो भी यही करते। पता है क्यों? क्योंकि वो जान चुके थे नीलम की असलियत। फॉर गॉड सेक मलिया, क्या हो गया तुम्हें? शुरू दिन से ही तुम उनके पीछे पड़ी हुई हो, और आज अपने सारे बदले लेने का तुम्हें मौका मिल गया। अब तो तुम्हारी कुछ भड़ास कम हो गई होगी। क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी भड़ास निकालने के लिए ये सब कुछ कर रही हूं, या नीलम से बदला लेने के लिए कर रही हूं? हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लगता है मुझे। तुम चले जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। ठीक है सर, मैं करता हूं। रिस? जी सर। ये बच्ची के अगवा वाली जो केस है ना, तो जो पार्टी आएगी उसे अंदर भेज दो। ओके सर। चले जी, आप लोगों को अंदर साहब ने बुलाया। ध्यान से बेटा। अम्मा तू क्यों फिक्र करती है, मैं हूं ना। चले मैडम आ जाएं। सलाम साहब। सीधी तरह बता दीजिए कि बच्ची को कहाँ छुपा रखा है। अरे सर जी, हम बच्ची को क्यों गायब करेंगे? वो तो भाभी जी की गलतफहमी है। अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो आप इनसे पूछ लें, ये बीवी है हमारे साथ की। जी मैडम। इंस्पेक्टर साहब, आप फजूल में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं और ये लोग बेकसूर हैं, आप खुद सोचें, मैं भी तो एक माँ हूँ। लेकिन मलिहा मार ने तो आपके खिलाफ कंप्लेन करवाई है। अरे सर जी, ये तो जलन में की है, ये तो घर का अंदरूनी मामला है। आप बात को क्यों क्यों दे रहे, थोड़े खत्म करें। रईस। जी सर। इन्हें आप बाहर लिखा। ओके सर। मैडम आइए। थैंक यू।
क्या करना है इनका? सर मैं उसी केस पर काम कर रहा हूँ जी। ओके थैंक यू। जी सर। अमार और उसकी वाइफ आएगी, उन्हें आप अंदर ले। जी अमार साहब। इंस्पेक्टर साहब मैं बाप हूं उस बच्ची का, मुझे यकीन है कि नीलम उसे गायब नहीं कर सकती। अम्मा तुम्हें उस औरत के आंसू नजर आ गए, लेकिन लेकिन एक माँ के आंसू से तुम्हारे दिल पे कोई असर नहीं। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। जो भी बात होगी घर जाकर होगी। कौन से घर की बात कर रहे हो? वो घर जिसमें वो औरत है, या फिर वो घर जिसने भैया और मामू को मौत के घाट उतार दिया? क्या उनका मर्डर हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे भाई की एक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी और मेरे वाले साहब को हार्ट अटैक हुआ था। मामू को उसने मारा था अम्मार, उनका हार्ट फेल उसकी वजह से हुआ था। मरिया स्टॉप इट। इंस्पेक्टर साहब आप किसी भी तरह मेरी बेटी को ढूंढो, और जहां तक बात रही कंप्लेन की तो मैं वो वापस नहीं लूंगी। कंप्लेन से कुछ नहीं होता जी, कानून को सबूत चाहिए, सबूत वो देने हैं। घर चले नहीं जाना मुझे उस घर में जहाँ ये औरत है। और वैसे भी तुम तो अपनी बातें कह के भूल जाते हो ना, लेकिन मुझे सब याद है। कंप्लेन करवाई तो घर वापस मत आना। नहीं कहा था ना तुमने? मैंने तो अपनी बेटी के लिए कंप्लेन लिखवा दी थी, लेकिन तुमने अपनी जमानत पे इस औरत को रिहा करवा दिया। नीलम को इन सब में कुछ लेना देना नहीं है। ना मानो तुम, लेकिन तुम मुझे भी फोर्स नहीं कर सकते। मलियम मेरी इतनी बेइज्जती अमार, घर मोहल्ला थाना मेरी तो छोड़ो, तुम्हारी भी इज्जत नहीं रखी उसने। बीवियां तो वो होती हैं जो शौहर की इज्जत के लिए क्या कुछ बर्दाश्त करती हैं, और ये और हुमैरा खाला बेचारी को तो सिर्फ इस बात की सजा मिली कि वो मेरे साथ होती है। नीलम प्लीज, मैं इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हूं और मजीद परेशान नहीं होना चाहता। मैं यहां तुम्हारे लिए आया था। अगर देखा जाए तो मलिया अपनी जगह गलत नहीं है। मां एक माँ के बस में जैसा और जितना हो सकता है वो बस वो कर रही है। नीलू को फोन करके पूछती हूँ। खैरियत तो है मम्मी, आपको मेरी याद कैसे आ गई? तुम अभी कहाँ हो नीलो? हम तुम्हारे घर गए थे तो इफ्फत बी ने बताया कि तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई। ओह खैरियत तो है,
आपको मेरी परवाह कब से होने लग गई? ऐसा कोई रिश्ता रखा तो नहीं आपने मुझसे? फोनी रिश्ते ज़बानी बोलने से टूटते हैं क्या? नहीं टूटते होंगे, लेकिन मुझे नहीं रखना आपसे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता। मेरे लिए मेरा घर और मेरा शौहर ही सब कुछ है। मुझसे जुड़ गया ना रिश्ता, अब मुझे नहीं परवाह है किसी की। रखती हूँ फोन, अल्लाह हाफिज़। नील, हो गए थे सर बेटी के हाथों अपनी इज्जत अफजाई करवा के। परेशान हो रही थी पुलिस का सुन के। माँ हो ना, तो इसीलिए अपनी ममता को भूल नहीं सकती। तो तुम्हारी बेटी नीलम, उसको तो रिश्ते निभाना ही याद नहीं रहता, बेहिस खुदगर्ज लड़की। अब तक तो उसे खा भी लिया होगा आवारा कुत्ते ने। खैर, हराम का पैसा हराम में जाता है मेनाज बेगम। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? मलिहा बेचारी अपनी बेटी को इस दुनिया में ढूंढ रही है और उसकी बेटी उस दुनिया पहुंच चुकी है। अच्छा हुआ जो मर गई, बाजारी जिंदगी से मौत अच्छी है। क्या बात है अम्मा, हमदर्दी तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे बड़ा दर्द है तुम्हारे दिल में उसके लिए। अब किसको फोन कर रहा है? नीलम जी को फोन कर रहा हूँ, जरा उसको भी तो पता चले इस खुशखबरी का। अब क्या है? खुशखबरी देनी है नीलम जी। कैसी खुशखबरी? भाभी जी की बेटी इस दुनिया में नहीं रही। क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें? महनाज बेगम ने अभी मुझे फोन करके बताया कि मलिहा की बेटी मर चुकी है। अच्छा हुआ जो वो मर गई। नीलम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, सलार रो रहा है, वो चुप नहीं हो रहा। वो कैसे चुप होगा? वो चुप होगा भी नहीं। मलिहा ने उसको अपनी गोद की आदत डाली है ना, वो किसी के पास रुकता है ना किसी से संभलता है। उसको भूख लगी होगी, मैं भी रिफत भी से कहती हूँ, वो उसका खाना बना देंगी। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? इस सिचुएशन में मैं मलिहा के अलावा किसी और के बारे में क्या सोच सकता हूँ? वो बहुत जज्बाती है, मानता हूं कि माँ है, लेकिन लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तलाश करूं मानों को। उसे इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए था, ये दुख उस अकेली का तो नहीं है। क्या बाप के सीने में दिल नहीं होता? ये औलाद की तड़प सिर्फ माँ के दिल को तड़पाती है। अम्मार, वो बहुत ज्यादा जज्बाती है इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने में कि मानों को सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही ढूंढ सकती है, तुम और वो कुछ नहीं कर सकते। यही बात तो उसे समझानी है जो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन मैं अभी उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। अमार रुको, देखो इस वक्त उसके पास जाना ठीक नहीं है, गुस्से में ना बातें समझ आती हैं ना सुनाई देती हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम उसे थोड़ा टाइम दो। तुम शायद ठीक कह रही हो। अच्छा मैं सलार के पास जा रहा हूँ, तुम रिफत भी से कह के उसका खाना वहां पहुंचा। मेरी तो जान ही निकल गई, मैं समझी अमार ने मेरी बातें सुन ली। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।